जैन कैडेट कैसे आप सब। मैं ऐसा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। कैडेट आज की क्लासेस में एनसीसी भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ फुल फॉर्म्स आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। तो कैडेट आप इस क्लास को अच्छे से ध्यानचित होकर के सुनिए और हमारे इस एनसीसी अल्फा क्लासेस भाई सोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैडेट चलते हैं, शुरू करते हैं क्लासेस को। तो हमारा फुल फॉर्म्स में ये पहला आता है जो कि जब हम फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं, जब भर्ती होने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमसे मतलब जब पेपर होता है तो उसमें ये पूछता है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म में पहला क्या होता है, एनसीसी। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कैडेट कोर, ठीक है। इसकी स्थापना भी पूछता है, उसके बाद 16 जुलाई 1948, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीएसएफ का क्या होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, गलत है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है जिनको कि मैं आप सबके बीच बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है, एनसीसी। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कैडेट कोर। उसके बाद बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। मतलब क्या, यह क्या करती है, जो भी मतलब औद्योगिक कंपनियां होती है या जो भी संस्थान होते हैं उसकी निगरानी करते हैं, ठीक है। उसके बाद डीआरडीओ का क्या होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद डीएफओ का डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है। ये संभावित प्रश्न है जो कि मतलब एनसीसी भर्ती परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आईएएस का क्या होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। आईएएस की यहाँ पर मैंने बात किया तो यहाँ पर आपको बता दूँ, आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं आप अपने जिले के जो भी डीएम साहिबा हैं या डीएम साहब हैं उनका नाम आप क्या करें याद करके रखें, ठीक है। क्योंकि पेपर में प्रश्न आता है कि आपके जिले का जिला अधिकारी कौन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आईपीएस का फुल फॉर्म होता है, इंडियन पुलिस सर्विस। आरपीएफ का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एनएसजी का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सीडीएस का कंबाइंड डिफेंस सर्विस या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अगर इसमें आता है तो आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लिखना, ठीक है। क्योंकि इसका दो फुल फॉर्म होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस और एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, ये जो कि नया बना है पद। इसके बाद यूएनओ का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद एनडीए का नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये कहाँ है, पुणे में, ठीक है, खड़गवासला में। उसके बाद आईएमए कहाँ है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इस तरह से पूछते हैं। एसपीजी का क्या होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, क्या होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एफआईआर का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद आईएफ इंडियन एयर फोर्स। आईपीसी इंडियन पैनल कोड। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। उसके बाद एड्स का क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। उसके बाद जीएसटी का क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीबीआई का क्या हो जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद एटीएम का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओटीए का क्या होगा, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूपीएससी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एएनओ का क्या होता है फुल फॉर्म, एसोसिएट एनसीसी अफसर। जब आप भर्ती होते हैं तो यही 3 साल आपको लेकर के अपने कंधे पर लेकर चलते हैं और इन्हीं के ऊपर पूरा एनसीसी का कॉलेज का दारोमदार होता है, ठीक है। उसके बाद आरबीआई का क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बीएसएनएल का भारत संचार निगम लिमिटेड, क्या होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। बीए का बैचलर ऑफ आर्ट, यहीं पर मैंने एमए लिख दिया क्योंकि इससे रिलेटेड था। एमए का क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद आरएनए का क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एसएसबी का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। उसके बाद डब्ल्यूएचओ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद बैट का वैल्यू एडेड टैक्स। पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। उसके बाद जेएनसीयू की बात करें तो मैं, अगर जो भी कैडेट बलिया से बिलोंग करते हैं तो बलिया में एक यूनिवर्सिटी है, जन नायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी। ये प्रश्न आपके संभावित परीक्षा में आ सकते हैं। और वीसी का मतलब क्या होता है, वाइस चांसलर यानी कुलाधिपति प्रोफेसर करपलाता पांडे, ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। और आप
अगर जिस जिले से मैं बिलोंग करता हूँ बलिया जिला, यहाँ पे अगर वर्तमान में अगर डीएम साहब का नाम पूछे तो यहाँ पे श्रीमती सौम्या अग्रवाल, ठीक है, वर्तमान में डीएम है। तो इस तरह से ये होता है। और उसके बाद से आपका जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडीबी, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। उसके बाद एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो कैडेट आज की क्लास में इतना ही, और फिर हम आगे कुछ लेकर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।